हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज का अड्डा में। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री या फिर पॉलिटी। ये दोनों में एक चैप्टर काफ़ी कॉमन है, वो है हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ यूरोपियन कंपनी। ठीक है, तो ब्रिटिश एम्पायर जब इंडिया में आई थी, ठीक है, और आने के बाद जब उन्होंने यहाँ पर एज ए ट्रेडिंग कंपनी जब यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो समय के साथ वो एक ट्रेडिंग कंपनी से एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी के रूप में चेंज हो गई। ठीक है, और उन्होंने ही क्या बोलते हैं, जब वो आए थे ना, तो क्या बोलते हैं, अपने तरीके से मतलब ट्रेडिंग करते थे, अपने तरीके से रूल रेगुलेशन बनाते थे। यानी EIC ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मतलब मोनोपोली मिल गया था कि भाई साहब इंडिया में जाओ। ठीक है, और दिसंबर 1600 में एलिजाबेथ प्रथम ने उनको दे दिया था राइट मैग्ना कार्टा कि आप जाइए व्यापार कीजिए, ठीक है, ट्रेड कीजिए इंडिया में जाकर। ठीक है, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या कि 1600 में जब वो आए, ठीक है, और अपनी कंपनी को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया इंडिया में, ठीक है, तो दिक्कत मतलब समय के साथ सब चीज चल रहा था। ठीक है, जब 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का वार हुआ, ठीक है, और जिसमें सुजाउद्दौला आलमगीर द्वितीय शाह आलम द्वितीय सुजाउद्दौला और मीर कासिम की गठबंधन जो थी वो जब हार गई अंग्रेज सेना से, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, एक ट्रीटी हुआ। ठीक है, क्लाइव ने एक ट्रीटी किया। क्लाइव कौन था, अंग्रेजी सेना का सेनापति था, ब्रिटिश मतलब आर्मी का सेनापति था। तो उन्होंने एक ट्रीटी किया, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 दो ट्रीटी हुई थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अंतर्गत, जिसमें एक में क्या बोलते हैं शाह आलम द्वितीय को सब्सिडी देने की बात की गई थी 26 लाख रुपए के आसपास। ठीक है, और दूसरे में क्या बोलते हैं जो हमारे सुजाउद्दौला थे उनको क्या बोलते हैं एक पेंशन देने की बात कही गई थी। ठीक है, और उसके बदले में क्या बोलते हैं शाह आलम द्वितीय से अंग्रेजी सेना ने यानी ब्रिटिश एम्पायर ने क्या बोलते हैं उड़ीसा बंगाल और बिहार का दीवानी राइट्स ले लिया। दीवानी राइट्स होता क्या है, जिस एरिया का दीवानी राइट्स दिया जाता है उस एरिया में उस अथॉरिटी को उस कंपनी को ये अथॉरिटी मिल जाएगा कि आप वहां के सिविल राइट्स और वहां के रिवेन्यू राइट्स आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये कब हुआ, 1765 को हुआ। आपने थंबनेल में पढ़ा था कि क्या बोलते हैं भाई साहब, आपने लिखा हुआ था कि एक्ट पढ़ाऊंगा मैं आज 1773 से लेकर 1853 का एक्ट, लेकिन ये एक्ट आया कैसे, क्यों जरूरत पड़ी ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये एक्ट लाने के लिए। ठीक, अच्छा खासा ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में व्यापार कर रहा था, दिक्कत कहाँ हुई। ठीक है, अगर एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया है कि हाँ जाओ एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में भारत में व्यापार करो, और वो कंपनी समय के साथ क्या बोलते हैं अपने गलत पॉलिसी को लाकर, अपनी मतलब सेल्फिश पॉलिसी को लाकर, ठीक है, इंडियन पर एडमिनिस्टर करने लगती है। ठीक है, तो क्या जरूरत होता है कि मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने का जरूरत पड़ता है ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में, और क्या बोलते हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स लाए गए, क्यों लाए गए। एक्चुअली हो क्या रहा था, जब बंगाल बिहार उड़ीसा के दीवानी राइट्स दे दिए गए मुगल एम्पायर के द्वारा ब्रिटिश रूलर्स को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जब दे दिए गए दीवानी राइट्स, ठीक है, तो दीवानी राइट्स उसको मिल गया। किस साल मिला, ठीक है, तो ये आपको 1765 में मिला। क्वेश्चन पूछता है कि बाय विच ट्रीटी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द दीवानी राइट्स फ्रॉम मुगल एम्पायर, देन योर आंसर विल बी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद अगस्त 1765। ठीक है, यहां तक, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट ये है सिविल सर्विसेज का अड्डा, ये YouTube चैनल में आप ये वीडियो देख रहे हो, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ भी अगर डिलीवर करो कंटेंट ना YouTube में, तो कॉन्सेप्ट के साथ कंटेंट करो, कंटेंट को डिलीवर करो, क्योंकि चीजें तो मार्केट में भी पड़ी है। ठीक है, समझने की जरूरत है, और कौन समझा पाएगा, कैसे समझ पाएगा, ठीक है, स्टूडेंट कैसे उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, ये भी जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं कोई भी टॉपिक डिलीवर करता हूँ उसके पहले छोटा सा स्टोरी, मतलब उसके पास्ट का वो टॉपिक क्यों आया है, ये सब चीज़ मैं डिलीवर करता हूँ, मेरी आदत है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, छोटी सी कहानी और बची है, इसे आप सुन लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे 1773 एक्ट क्यों लाया गया और क्या क्या चीज़ें उसमें थी। ठीक है,
हेलो, आई एम आर्यन कुमार. ओके, टुडे आई विल टीच यू अबाउट द एक्ट्स फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1773 रेगुलेटिंग एक्ट टू 1853 एक्ट. ठीक है. आफ्टर गॉट द दीवानी राइट ऑफ बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार, ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड टू रूल इन दैट पार्टिकुलर एरिया. वहां पर उनको राइट मिल गया, वो वहां पर रूल करने लगे. तो क्या हुआ, 1765 से लेकर 1772 तक, ये 7 साल में वहां पर ड्यूल सिस्टम अप्लाई हो गया. ड्यूल सिस्टम अप्लाई हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे, ठीक है, वो वहां के नेटिव रूलर्स को दे दिए गए, लेकिन जो रिजर्व्ड चीजें थी, ठीक है, यानी जो मेन अथॉरिटी था, ठीक है, मेन अथॉरिटी जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, ब्रिटिश ऑफिशियल्स के पास था, ठीक है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो हमारा नेटिव रूलर्स, जो लोकल रूलर्स थे, उनको दे दिया गया. यानी ड्यूल सिस्टम हो गया, ठीक है. अथॉरिटी किन के पास रहेगा, ब्रिटिश ऑफिशियल्स ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहेगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास रहेगा, तो वो रहेगा हमारा, क्या बोलते हैं, नेटिव रूलर्स, लोकल रूलर के पास रहेगा. तो एक ड्यूल सिस्टम बन गया. तो ये ड्यूल सिस्टम जो है 1765 से लेकर 1772 तक चला, ठीक है. स्टार्ट कौन किया था ड्यूल सिस्टम, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लॉर्ड क्लाइव ने स्टार्ट किया था, ठीक है. लॉर्ड क्लाइव ने 1765 में ड्यूल सिस्टम स्टार्ट किया. कहाँ स्टार्ट किया, बंगाल में स्टार्ट किया, बंगाल प्रोविंसेस में. और आप सभी को पता है कि बंगाल प्रोविंसेस में क्या बोलते हैं, उड़ीसा भी आती है, बिहार भी आता है, और खुद ब खुद बंगाल भी आता है, ठीक है. 1765 से लेकर 1772 तक, ये 7 साल का जो पीरियड था, 7 ईयर्स का जो रेन पीरियड था, इसमें ड्यूल सिस्टम अप्लाई किया गया था. तो एक्चुअली ये हुआ कि इसमें मतलब तीन चार चीजें ऐसी हुई जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स किया कि नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बिजनेस चल रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, उसमें मुझे इंटरफेयर करना पड़ेगा. उसको मतलब वो एक बहुत ही गंदे तरीके से डिसऑर्डर हो गया है, ठीक है, और एक अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है, तो मुझे इंटरफेयर करना पड़ेगा. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सोचा, ये देखा क्या था, क्या चीजें थी जो ऐसा करना पड़ा. फर्स्ट, बैंकरप्टसी, ठीक है. बैंक दिवालिया हो गया. क्यों दिवालिया हो गया, ठीक है, कि दिवालिया इसलिए हो गया कि जो उसके सर्वेंट्स थे, ठीक है, वो खुद क्या बोलते हैं, निजी व्यापार में लग गए थे, प्राइवेट ट्रेड में लग गए थे, ठीक है. और क्या बोलते हैं, वो मतलब प्राइवेट ट्रेड में लग गए थे, अपने आप को फ्लरिश कर रहे थे, अपने आप को खूब मुनाफा कमा रहे थे, ठीक है. और कंपनी की जो चीजें थी, ठीक है, उसमें वो लोग उतना करने के बजाय अपने में ही व्यापार किए जा रहे थे. सेकेंड कारण क्या था, सेकेंड कारण ये था कि जो कंपनी के सर्वेंट्स थे, प्राइवेट ट्रेड के साथ साथ वो गिफ्ट्स वगैरह लेने स्टार्ट कर दिए थे, यानी रिश्वत वगैरह लेने स्टार्ट कर दिए थे. मतलब एकदम पूरी तरीके से मतलब करप्शन आ गया था, ठीक है. सर्वेंट्स लोग अपने निजी हित के लिए मतलब करप्ट हो गए थे, ठीक है. और बिजनेस जो है एकदम डगमगा गया था, घोटाले पे घोटाला हो रहा था, ठीक है. थर्ड कारण क्या था, थर्ड कारण ये था कि पीजेंट्स पर, यानी किसानों पर एकदम मतलब हाई टैक्स लग गया था, एकदम मतलब बहुत ज्यादा टैक्स रिवेन्यू कलेक्ट उनसे किया जाने लगा था, ठीक है. जो मतलब एकदम हाई लेवल पर रिवेन्यू उनसे कलेक्ट किया जाने लगा था. वो लोग कर्ज पे कर्ज, मतलब एक अच्छे खासे डेब्ट के अंदर वो लोग फंस गए थे, ट्रैप में आ गए थे, ठीक है. बहुत भी बहुत बड़े बड़े कर्ज में वो लोग दबे जा रहे थे. तो ये भी कारण था, ठीक है. हाई रिवेन्यू कलेक्शंस, ठीक है, सप्रेशन ऑफ द पीजेंट्स, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कंपनी इम्प्लॉय इन प्राइवेट ट्रेड, ठीक है, एंड क्या बोलते हैं, प्राइवेट कंपनी सर्वेंट्स आर एक्सेप्टिंग द ब्राइब्स एंड गिफ्ट्स फ्रॉम द नेटिव रूलर्स. तो ये सब कारण था. इसे क्या हुआ, पूरी तरह से करप्शन आ गया, पूरी सरकार मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो पूरी तरह से करप्ट हो गया, ठीक है. सभी चीजें मतलब डिसऑर्डर हो गई, कोई भी चीजें, बिजनेस जो है एकदम पूरी तरह से मतलब गड़बड़ हो गया, डिस्टर्ब हो गया. बैंक जो थे वो दिवालिया हो गए, बैंक करप्टसी हो गया. तो ये सबको देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि नहीं, टू नाउ वी विल हैव टू इंटरफेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है. नाउ वी हैव टू establish a centralizing foundation of the government, ठीक है. तो ऐसा उन्होंने सोचा और उन्होंने क्या बोलते हैं, चीजों को रेगुलेट करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए, उनको ऑर्डर में लाने के लिए, ठीक है, एक एक्ट लाया. नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है. पूछोगे आप कि इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पड़ा,
क्या कारण था इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट पड़ा। भाई साहब ये जो एक्ट लाया गया था ना, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था, उनके बिजनेस को ऑर्डर में लाने के लिए लाया गया था, इसलिए इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पड़ा। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बाय विच एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरफेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन इन द बिजनेस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, योर आंसर विल बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्वेश्चन आएगा कि बाय विच एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट एस्टेब्लिश द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रलाइजिंग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आपका आंसर होगा 1773 का एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, दो पॉइंट यहां से क्लियर हो गए कि ये एक्ट लाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के बिजनेस को ऑर्डर में लाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। सेकंड, इसी एक्ट के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर की, और डायरेक्टली कहा जाए कि इंडिया के इंडियन अफेयर्स में इंटरफेयर की, इंटर की ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये हो जाएगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एक्ट के द्वारा इंडिया में एक सेंट्रलाइजिंग मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की फाउंडेशन को एस्टेब्लिश किया। ये तीन पॉइंट बेसिक है, सभी को पता है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे कि इस एक्ट के अंदर क्या क्या चीज लाया गया था। इस एक्ट में एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की एस्टेब्लिशमेंट की बात कही गई। यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ मतलब काउंसिल टाइप का एक होता है, उसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं। ठीक है, शायद ये 24 है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रिवेन्यू अफेयर्स है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मिलिट्री अफेयर्स है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सिविल अफेयर्स है, उसमें क्या बोलते हैं जो भी चीजें हैं उसका रिपोर्ट बनाकर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजेंगे। इस प्रकार क्या हो गया, अकाउंटेबिलिटी आ गई। इस प्रकार क्या हो गया, टू चेक द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी अफेयर्स था उसमें चेक करने के लिए एक एजेंसी अपॉइंट कर दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के रूप में। ठीक है, तो मतलब चीजों को बेहतर करने के लिए इस एक्ट में मतलब सारे पॉइंट्स को डाला गया, प्रोविजंस को डाला गया। पहला पॉइंट क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, फंक्शन में बता दिया हूं। ठीक है, सेकंड ये हुआ कि जो गवर्नर गवर्नर कहलाते थे, ठीक है, इस एक्ट के पहले जो थे बंगाल के जो थे उनको गवर्नर ऑफ बंगाल बोलते थे, अब इस एक्ट के बाद कहा जाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वॉरेन हास्टिंग। वॉरेन हास्टिंग का रेन पीरियड था 1773 से लेकर 1785 तक, कहीं कहीं 1772 भी दिया हुआ है, लेकिन ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल देखा जाए, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अगर देखा जाए तो उनका जो रेन पीरियड होगा 1773 से लेकर, ठीक है, 1785 तक होगा। ठीक है, वॉरेन हास्टिंग का। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग ये देखेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। सेकेंड हम लोग ये देखेंगे कि एक सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट की बात कही गई इसमें। ठीक है, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, बात कही गई थी, प्रोविजन इंक्लूड था, इसलिए 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ जिसके चीफ जस्टिस थे एलिजा इम्पे और बाकी तीन जज थे, यानी 1+3 का था सिस्टम। ठीक है, 1 चीफ जस्टिस, 3 अदर जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, और चीफ जस्टिस का जो नाम था वो था एलिजा इम्पे। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट हो गया कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता। फर्स्ट पॉइंट क्या था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू चेक द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन रेवेन्यू, मिलिट्री एंड सिविल अफेयर्स। ठीक है, दो पॉइंट मैं बता दिया। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये था कि जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे और गवर्नर ऑफ मद्रास जो था, ठीक है, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबॉर्डिनेट कर दिया गया। यानी उनके जो पावर्स थे, ठीक है, उनके पावर्स जो भी थे वो क्या बोलते हैं लिमिट कर दिए गए, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है किसके अंदर आ गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर, ठीक है, उनके अंडर, ठीक है, गवर्नर ऑफ बॉम्बे आ गया, गवर्नर ऑफ मद्रास आ गया, यानी ये दोनों को सबॉर्डिनेट कर दिया गया बंगाल के अंदर। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन है, बाकी सारी स्टेट गवर्नमेंट है ना। ठीक है, उसी प्रकार उस टाइम बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह एक्ट कर रहा था। ठीक है, और बाकी जो दो प्रोविंसेस थे, यानी जो बॉम्बे के प्रोविंसेस थे और मद्रास के जो प्रोविंसेस थे, उनको सबॉर्डिनेट कर दिया गया बंगाल के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार एक सेंट्रलाइजिंग एडमिनिस्ट्रेशन की
कल्पना यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर फीलिंग्स आ रहा है कि हाँ भाई सेंट्रलाइजिंग तो हो रहा है, ये दोनों को इसके अंदर कर दिया, यानी अथॉरिटी सुप्रीम अथॉरिटी किसको दे दिया गया, गवर्नर जनरल बैंगलोर को दे दिया गया। तो हुई ना सेंट्रलाइजिंग एडमिनिस्ट्रेशन टाइप का कुछ दिख रहा है ना आपको यहाँ पर। ठीक है, थर्ड पॉइंट, तीन पॉइंट में बता दूंगा, ठीक है, तीन पॉइंट में बता दिया हूँ। ठीक है, और क्या बोलते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट अब कंट्रोल करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी को किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। ठीक है, तो ये तीन चार पॉइंट मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, इसके अलावा क्या बोलते हैं, चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सर्वेंट्स ऑफ कंपनी थे, ठीक है, उनको मना किया गया कि आप किसी प्रकार का ट्राइब्स, किसी प्रकार का प्रेजेंट्स, ठीक है, किसी प्रकार का गिफ्ट्स आप नहीं लोगे नेटिव रूलर से या किसी से भी नहीं लोगे, आप प्राइवेट ट्रेड नहीं करोगे। ठीक है, ये चार पॉइंट आपको याद रहेगा, सीओडी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, बॉम्बे मद्रास सबोर्डिनेट आ गया बंगाल के, और चौथा पॉइंट था हमारा एंड लास्ट पॉइंट था कि प्राइवेट ट्रेड करना मना कर दिया गया और प्रेजेंट्स और ब्राइब्स जो भी थे, गिफ्ट्स वगैरह जो थे, उनको लेने के लिए मना कर दिया। बस इतने ही चार पॉइंट है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 खत्म हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक्ट सभी को समझ में आ गया होगा, इससे ज्यादा, ठीक है, और इससे ज्यादा मतलब क्रिस्प नॉलेज आई होप आपको कहीं पर मिलेगा। ठीक है, कैसा लगा कॉमेंट में बताइएगा। ठीक है, एक एक्ट और कर लेते हैं। ठीक है, थंबनेल तो 1853 का था लेकिन वीडियो ज्यादा बन जाएगा, लेकिन कैसा लग रहा है आपको ये भी जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट भी बना दिया गया, लेकिन दोनों में क्या है ना कंफ्लिक्ट आने लगा। ठीक है, दोनों का जुडिक्शन एरिया फिक्स नहीं था, क्योंकि उस टाइम जो कानून वगैरह थे, लॉ वगैरह थे, ना ही कोडिफाइड थे और ना ही क्या बोलते हैं कानून को मतलब अच्छे तरीके से, मतलब एक किसी भी टाइप का कोई फ्रेमवर्क नहीं था कि हाँ ये कानून है इस चीज के लिए, ये मतलब ये पनिशमेंट है। तो इस ये मतलब कानून वगैरह, लॉ वगैरह कुछ भी कोडिफाइड नहीं थे। ठीक है, एक मतलब ये लोग अच्छे तरीके से अरेंज नहीं थे, कोई भी लॉ वगैरह नहीं था। ठीक है, किसको कहाँ किस तरीके से पनिश करना है, क्या चीज के लिए क्या पनिशमेंट फिक्स है, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट तो बना दिया गया, ठीक है, 1773 एक्ट के द्वारा, और इधर गवर्नर जनरल ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स को भी अथॉरिटी दे दिया गया, तो दोनों के ज्यूरिडिक्शन एरिया में कन्फ्लिक्ट आने लगा। ठीक है, कोई मैटर पर ये कुछ और सुना दिया सुप्रीम कोर्ट, और उसी मैटर पर वॉरेन हेस्टिंग्स में कुछ सुना दिया, तो दोनों में कन्फ्लिक्ट आने लगा। ठीक है, डिसाइड तो हो कि यहाँ तक, इस सीमा तक सुप्रीम कोर्ट काम करेगी, इस सीमा तक वॉरेन हेस्टिंग्स काम करेगा। ठीक है, डिसाइड तो हो जाए, ये डिसाइड था ही नहीं। ठीक है, दिक्कत आने लगी, तो फिर क्या हुआ, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया था। ठीक है, और ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी डिफेक्ट्स थे उसको रेक्टिफाई करने के लिए ही 1781 में ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। ठीक है, दिक्कत कहाँ आ रही थी, सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन एरिया और गवर्नर जनरल के मतलब अथॉरिटी में दिक्कत आ रही थी, कन्फ्लिक्ट आ रही थी। तो ये बोला गया कि क्या बोलते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट होगी उसका जो जुडिक्शन एरिया होगा वो विद इन कोलकाता ही होगा, यानी आप बिहार उड़ीसा में आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, कोलकाता के अंदर जो भी चीज़ होगी उसी में आपका अथॉरिटी है, किसका, सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिक्शन एरिया होता है, ठीक है, अब आप जुरिस्टिक्शन जो एरिया होता है उसका मतलब होता है अधिकार क्षेत्र। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र था, जुरिस्टिक्शन एरिया था, तो उसको कोलकाता तक ही सीमित कर दिया गया, और वो क्या बोलते हैं, किस चीज़ पर डिफेंड कर सकते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल लॉ ऑफ डिफेंडेंट। ठीक है, पर्सनल लॉ ऑफ डिफेंडेंट पर एडमिनिस्टर कर सकते हैं, कौन, सुप्रीम कोर्ट, ये डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, कि आप भाई पर्सनल लॉ पर ही आप लोग जजमेंट दोगे, ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट। नेक्स्ट हमारा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो है, ठीक है, ये जब आया था इसमें जो भी प्रोविजंस थे, मेन प्रोविजंस की बात करूंगा। ठीक है, और इतने अच्छे तरीके से क्रिस्प पॉइंट में मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, आप इसको पॉइंट आउट भी कर सकते हो अपने नोटबुक में। ठीक है, कहीं बहुत दो तीन बुक से मतलब अच्छे से पॉइंट को क्रिप्स करके आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ये हुआ कि कंपनी का जो पॉलिटिकल अफेयर्स था और कंपनी का जो क्या बोलते हैं कमर्शियल अफेयर्स था, ये दोनों को डिस्टिंग्यूश किया गया। ठीक है, बांटा गया, सेपरेट किया गया।
ठीक है, कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स को और कंपनी के कॉमर्शियल अफेयर्स को। और चूंकि हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट में देखे थे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, किसका, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो काम अभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कर रहे थे रेगुलेटिंग एक्ट में, वो काम दे दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। ठीक है, कि वो लोग उसको रेगुलेट करेंगे और गवर्नर जनरल के परमिशन देने के बाद भी, ठीक है, वो चीज किसके पास जाएगा फाइनल डिसीजन के लिए, वो जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या बोलते हैं, अगर उसको ऑथोरिटी दिया, अलाउ हुआ, तभी वो वर्क फेच होगा, वो चीजें एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो फिर एग्जीक्यूशन उसका नहीं होगा। ठीक है, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा जाए तो और कंट्रोल कर दिया किस पर, क्या बोलते हैं, कंपनी के अफेयर्स पर, ईस्ट इंडिया कंपनी पर और पकड़ बना ली। इसके दौरान बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्थापित कर दिया, पहले तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का, ठीक है, रिवेन्यू मिलिट्री और सिविल के अफेयर्स पर क्या था रिपोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता था। अब क्या हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल सुप्रीम अथॉरिटी की तरह काम करेगा इंडिया में। ठीक है, और जो भी चीजें एग्जीक्यूट होगी, होने वाली होगी, वो गवर्नर जनरल के पास करने के बाद वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास जाएगा और उसका अप्रूवल मैंडेटरी रहेगा कि वो अप्रूवल करेंगे तभी वो चीज एग्जीक्यूट होगा, तभी वो ऑर्डर क्या बोलते हैं ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो फिर वो नहीं होगा। यानी इस प्रकार क्या हुआ कि एक बार ये परमिशन देंगे गवर्नर जनरल, उसके बाद वो परमिशन क्या है मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास जाएगा। ठीक है, वो परमिशन, वो चीजें, ठीक है, तो यानी एक ड्यूल सिस्टम, ड्यूल सेटअप यहाँ पर बन गया। ठीक है, कि दोनों का अथॉरिटी मैंडेटरी है और ये सुप्रीम है, ये अगर अलाउ डिसअलाउ कर दिए तो गवर्नर जनरल भी जो है एक पपेट की तरह काम करने लगा। यानी ये एकदम ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना एक सबॉर्डिनेट स्टेट की तरह इनका लेबर हो गया, क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर। ठीक है, तो यहाँ पर चीजें ये है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अलाउंस मैंडेटरी हो गया, उनको उनका परमिशन जरूरी है। ठीक है, और वो लोग उसके अंदर कौन कौन आते हैं, उसके अंदर आते हैं कमांडर इन चीफ आते हैं, ठीक है, उसके अंदर चार मेंबर भी आते हैं काउंसिल के। ठीक है, और एक और था ब्रिटिश एक्सचेकर, ब्रिटिश एक्सचेकर का कोई थे, ठीक है, वो भी थे। ठीक है, तो इन लोग का एक ग्रुप था जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, और ये लोग का परमिशन मैंडेटरी था किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। तो कंपनी के फंक्शन को कॉमर्शियल अफेयर्स और पॉलिटिकल अफेयर्स के रूप में डिस्टिंग्विश किया गया इस एक्ट के अंदर। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया कि जो कंपनी के कॉमर्शियल अफेयर्स है उसको कौन मैनेज करेगा, उसको कौन सुपरवाइज करेगा, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करेगा। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट बोल लेता शुरू में तो आप लोग को याद करना पड़ता, मैंने अच्छे तरीके से स्टोरी के रूप में पहले आपको समझाया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आया था तो वो क्या करता था, क्यों आया था। ठीक है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी पर और कस के मतलब बंधन बांध दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्थापित कर दिया। ठीक है, तो कमर्शियल अफेयर को कौन सुपरवाइज करेगा, मैनेज करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करेंगे। पॉलिटिकल अफेयर जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसको कौन मैनेज करेगा, उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैनेज करेगा। यानी कंपनी के फंक्शन को डिस्टिंग्विश किया गया, सेपरेट किया गया पॉलिटिकल में, कॉमर्शियल में, और कॉमर्शियल को सीओडी को दे दिया गया और पॉलिटिकल को बीओडी को दे दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, बीओसी को दे दिया गया। ठीक है, आप लोग बोलेंगे सीओडी बीओसी क्या है, भाई साहब पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा शॉर्टकट में चला करो। ठीक है, तो सीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉमर्शियल, सी से सीओडी, सी से कॉमर्शियल अफेयर को मैनेज करेगा। ठीक है, और बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसको मैनेज करेगा, पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करेगा। और इसी एक्ट के अंतर्गत, ठीक है, जो टेरिटरी अब तक कंपनी की थी उनको क्या बोलते हैं, पहली बार ब्रिटिश पजेशन, ठीक है, ब्रिटिश पजेशन का नाम दिया गया। ठीक है, पहली बार कंपनी के टेरिटरीज को ब्रिटिश पजेशन कहा गया, यानी ब्रिटिश का ये है। ठीक है, ब्रिटिश पजेशन, ठीक है, पोजेशन मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा इस वर्ड में है। ठीक है, पीओ डबल एस ई डबल एस आई वन, ठीक है, ब्रिटिश पजेशन, ठीक है, कंपनी के टेरिटरी को पहली बार कहा गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चूंकि कंपनी को काफी ज्यादा बंधन पड़ गया था तो कंपनी जो एक प्रकार से कहा जाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का सबॉर्डिनेट स्टेट बन गया था। ठीक है, चलिए, और इस प्रकार ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक
कंट्रोल, सुप्रीम कंट्रोल मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो गया इसके ऊपर, इस हिंडन कंपनी का। तो तीन चार पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, ठीक है, 1784 कर लिया ना, नेक्स्ट हम लोग करेंगे 1793 चार्टर एक्ट, सॉरी 1786, ठीक है सर, छोटा सा है ये भी, एक्ट ऑफ सेटलमेंट की तरह ही है, एक्ट ऑफ 1786। एक्चुअली क्या था ना कि 1786 लेकर 1793 तक कॉर्नवालिस साहब जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाए, ठीक है, उनका अपॉइंटमेंट हुआ एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। तो कॉर्नवालिस मतलब गवर्नर जनरल का कैटेगरी में बहुत ही इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म किया था, ठीक है, इनको फादर ऑफ सिविल सर्विस भी बोलते हैं, इन्होंने पुलिस सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया था इंडिया में, ठीक है, इन्होंने मतलब क्या कहा जाए, देखा जाए तो इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, ठीक है, और बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं, ठीक है, और मतलब एक कॉर्नवालिस कोड भी आया था जिसके तहत कुछ नियम वगैरह प्रोविजंस वगैरह हैं, तो वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है, जब हम लोग को पढ़ना होगा ये। फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे कि 1786 में जो एक्ट आया था वो क्यों आया था, ये एक बच्चा सा एक्ट था, ठीक है। एक्चुअली ये जो एक्ट लाया गया था ना, ठीक है, अपने शब्दों में कहूँ तो ये कॉर्नवालिस को खुश करने के लिए लाया गया था। अब क्यों लाया गया था, देखिए एक्चुअली ये था ना कि कॉर्नवालिस को ये मंजूर नहीं था कि वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पावर, जो मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उनको मजिस्ट्रेट का भी पावर दिया गया था, उनको क्या बोलते हैं रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का भी पावर दिया गया था, तो कॉर्नवालिस ये सब चीज़ें खुश नहीं था। कॉर्नवालिस जो है, ठीक है, वो गवर्नर जनरल होते हुए भी, ठीक है, कुछ और पावर चाहिए था उसको, ठीक है, उसको कुछ और पावर चाहिए था, और वो मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से उसका 36 का आंकड़ा था। तो ये जो एक्ट लाया गया था ये एक्चुअली कॉर्नवालिस को खुश करने के लिए लाया था, ठीक है। कॉर्नवालिस कमांडर इन चीफ का भी पावर चाहिए था उसको, और कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल का भी पावर चाहिए था, तो खुश करने के लिए कॉर्नवालिस के लिए ये एक्ट लाया गया था, और कॉर्नवालिस को दोनों पावर दे भी दिया गया, उसके डिमांड को पूरा कर लिया गया, ठीक है, और उसको ये राइट दिया गया कि भाई साहब आप क्या बोलते हैं जो काउंसिल है, यानी जो मतलब जब 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था, ठीक है, तो उसमें गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए चार मेंबर को जोड़ा गया था और उसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहा गया था, ठीक है, उस टाइम चार मेंबर थे, ठीक है, 1784 में आके ये तीन मेंबर हो गए थे, ठीक है, यानी गवर्नर जनरल के पास अपना एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, ठीक है, जो तीन चार मेंबर उसमें होते थे, ठीक है। तो कॉर्नवालिस जो है उनको ये पावर दे दिया गया कि भाई साहब जब काउंसिल जो भी बिल पास करेगी ना आप उसको ओवरराइड कर सकते हो, ठीक है, यानी आप उसको मतलब मना कर सकते हो, डिसअलाउ कर सकते हो, ठीक है, मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है, ये कॉर्नवालिस को पावर दिया गया। लेकिन इसमें शर्त ये था कि ये जो अगर आप डिसअलाउ करोगे ना, आप इस काउंसिल के द्वारा पास किए गए बिल को ओवरराइड करोगे तो वो आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पर करोगे, ठीक है, ऑन इट्स ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी पर करोगे, ठीक है। तो ये हमारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, और भी एक्ट्स हम लोग पढ़ना है, ठीक है, समय कुछ ज़्यादा ही हो गया है, सेकेंड पार्ट वीडियो का बना देंगे, ठीक है, कैसा लगा ये चीज़ आप बताइएगा, ठीक है, क्योंकि चीज़ें जब समझ में आएगी तो तभी फ़ायदा है कंटेंट को डिलीवर करने का, ठीक है, और यूट्यूब में इतना टाइम स्पेंड करके आपको लेक्चर देखने का, लाइक सब्सक्राइब की बात नहीं कहूँगा, कंटेंट कैसा लगा बस कॉमेंट करके, थैंक यू।